अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर एंड लाइफ कोच। मैंने पिछली भी वीडियो जिस तरीके से आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में बताई थी और उसका एक बैकग्राउंड भी मैंने बताने की कोशिश की थी कि जिस तरह हमारी माँ बाप, दादा दादी, मुमानी या इस तरीके से जो हमारी जो स्टोरीज थी, वो स्टोरीज मैं समझता हूँ कि तरबियत का एक बहुत बड़ा एक बेस्ट सोर्स था और एक बड़ी इंस्पिरेशन थी और उससे एक बड़ी जिसे कहना चाहिए कि एक माइंड ब्लोइंग एक चीज़ हमें मिलती थी कि जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्लेसमेंट हो जाती थी। सबकॉन्शियस माइंड से और माइंड कॉन्शियस माइंड लाइक ये आज का मौजू नहीं था, लेकिन जो सबसे बड़ी जो मैं चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, जो एक प्रोग्राम और एक प्लेसमेंट हो जाती है उस हमारे एक अमल की और जो हमारे बचपन में, क्योंकि हम सबका एक जो बचपन में एक जिसे कहना चाहिए क्लीन कैनवस की तरह एक बिल्कुल एक स्लेट जो है प्लेन होती है, बिल्कुल साफ़ होती है, फिर उस पर एक पिक्चर एक चीज़ हो जाती और जो आखिर तक उसके उसमें चलती। मुझे याद है मेरे वालिद ने एक पोएम, आई डोंट नो द नेम ऑफ द कैप्टन या इस तरीके की एक स्टोरी थी बचपन में मुझे बताते थे कि किस तरह वो शिप था और उसका बाप कैप्टन था और वो उसके साथ उसका बेटा 10-11 साल का था और उसने कहा था कि बेटे डोंट गो एनी वेयर, आई एल बैक। इतफाक़ से शिप में आग लग जाती है एंड सब लोग जब निकल रहे होते हैं रेस्क्यू में और सारे एवरीबॉडी से इनके बेटा चलो इवैक्यूएट दिस शिप, तो ई सेड के नो, माय फादर सेड कि रिमेन, आप यहाँ रहो और आई कैन नॉट लीव दिस प्लेस। और अनफॉर्चुनेटली फिर ये कि बड़ा एक ट्रेजिक एंड होता है कि शिप के साथ वो उसका वालिद की वहाँ डेथ होती है, लेकिन वो जगह नहीं छोड़ता और उसके बाद उस बच्चे की भी डेथ हो जाती है। मुझे याद है कि 7-8 साल शायद मेरी उम्र होगी मेरे वालिद ने जब ये स्टोरी सुनी थी सुनाई थी मुझे। बाय गॉड मेरे जहन में उस वक्त से जो एक कमिटमेंट एक चीज़ है, मैं अपने आप को ये नहीं कहता, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं मेरी कोशिश ये होती है किसी से कोई गलत कमिटमेंट या प्रॉमिस जिसको मैं ऑनर ना कर सकूँ, इस तरह की कोई किसी से मैं बात ना करूँ, उस तरह से कोई उससे अहद पैमान या इस टाइप की चीज़ नहीं, जिस चीज़ में मैं बिल्कुल 100% श्योर होता हूँ उसकी मैं कमिटमेंट करता हूँ कि आई कैन डू दिस और आई एम विद यू और नो मैटर कि फिर दुनिया भले उसको किसी कोई इंसान किसी को बुरा कहे, लेकिन जब मैं किसी के साथ खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ। इसी तरीके से दुनिया भले जिसकी तारीफ़ करे और इफ़ यू नो इफ़ आई फील के यार नहीं ऐसा हुआ नहीं है तो मैं उसकी मुखालफत नहीं करूँगा। वाकया स्टोरी थोड़ी रियल आपको जिस तरह मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बच्चा है जिसकी तकरीबन 3-3.5 साल इसकी एज है और इससे रियल जो है ये स्टोरी है जो कि मेरे गुरु ने ड्यूरिंग एक फिजियो एक जो साइकोथेरेपी और साइको एनालिसिस एक केस उन्होंने डील किया इंडियन इंडिया, तो वो मैं आपकी मैं नज़र बता रहा हूँ बताना चाह रहा हूँ कि 4-4.5 साल का एक बच्चा और वो ड्राइंग रूम में उसके वालिद के दोस्त होते हैं बाबा और वो आता है वहाँ पर जाके और आके बात करने की कोशिश करता है। मेरे वालिद कहते हैं बेटा मैं अभी दोस्त से मैं अपने बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ही इज़ कॉल्ड हिम कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं आई एम टॉकिंग विद दी अंकल और तुम फिर मेरे पास आ रहे हो। खैर वो आता है आने के बाद और वो उसने अब एक फाइल जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड इज़ जस्ट लाइक द प्रेजेंट में जो हम रहते हैं वो फ्यूचर और जो आपका जो पास्ट है उससे वो बिल्कुल नावाकिफ है, वो नहीं जानता। सबकॉन्शियस माइंड आपके प्रेजेंट में काम करता है। उसने अपने जहन में एक फाइल बिठा ली, घुसा ली, एक कील उसके दिमाग में ठुक गई कि जब दो लोग बैठे होंगे तो अंकल से मुराद वही उनके वालिद वो, तो मैंने बात नहीं करना। अब ही बिकम ए फुली इंट्रोवर्ट, वो कभी किसी से कोई ना शेयरिंग ना केयरिंग ना इस तरीके की उसकी लाइफ चलती रही। हिज फादर वाज ए मल्टी मिलियनर और बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट था और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक वक्त ऐसा आया कि फिर उसके वालिद की डेथ हो गई जब इसकी उम्र 40 ईयर्स हुई। अब आप देखिए कि कब तक का बचपन की वो जो चीज़ें कैरी होती हैं सबकॉन्शियस माइंड में और वो कहाँ जाके ब्लो अप होती हैं, तो मेरी तमाम वीडियो में या माइंड साइंस से रिलेटेड में ये बात आपको सबको इसकी अहमियत की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 44 ईयर्स में उसके वालिद के कुछ दोस्त बूढ़े हो गए थे, वो एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड देयर सन एंड द फैमिली यू नो ही वाज रनिंग द कंपनी। अब इसका इंट्रोवर्ट होने की वजह से कभी कभी ये बिल्कुल अपने गुस्से पे इसका कंट्रोल नहीं होता था और इसकी जो रिट्रेचमेंट थी, जो फायर करने की जो पॉलिसी थी, जिसने कुछ किया उसने कहा फायर हिम, फायर हिम, फायर हिम। आहिस्ता आहिस्ता जो फेथफुल या उसके वालिद के ज़माने के जो तमाम लोग थे वो उससे
दूर होते गए और नए लोग आए और कंपनी बड़ी क्राइसिस में थी। फॉर्चुनेटली ही कॉन्टेक्टेड माई गुरु और उन्होंने जब सारी एक पूरी एक तरीका होता है हमारा, एक जैसे कहना चाहिए एक पास लाइफ थियरी होती है, उसमें हम जाते हैं उसकी एज में और जो भी वो एक वाकया हुआ है उसको पिक करते हैं कि इसका क्या रीज़न था, ये क्यों हुआ, तो वहाँ ये चीज़ इसकी पता चली। लिटरली ही वॉज क्राइंग, उसने कहा कि आई एम ए गुड मैन, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुँह से गालियाँ निकले, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को स्कोल्ड करूँ, मैं नहीं चाहता किसी की मैं बेइज्जती ना करूँ, मैं नहीं चाहता कि अपने वालिद के दौर के रखे हुए जो लोग हैं जो कि दे आर द बिल्डर ऑफ दिस एम्पायर दिस कंपनी, मैं उनको वो करूँ। खैर जनाब, उसका जो एक हमारी जो हीलिंग टेक्निक्स हैं और जो बेशुमार वो है उसका इलाज हुआ एंड ही इज़ एब्सोल्यूटली राइट नाउ, ही इज़ ए यू नो एक इंटायरली न्यू पर्सन, और उसकी फैमिली लाइफ, उसके दोस्त, उसकी सारी चीज़ें जो सिख हो गए थे वो सारा एक ज्वाइंट करके और उसने जो है और ज़्यादा समझ लें कि उस एम्पायर को उसने बिल्डअप किया। तो टू कट शॉर्ट, आई वांट टू टेल यू कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है ख़ास तौर से आपकी जो सेल्फ इस्टीम है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती है जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इस चीज़ होती है। आने वाली वीडियोस में जैसे एक टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बातें भी तीन पार्ट में जिस तरह मैंने वो किया, मैं इंशाल्लाह बड़े डिटेल से इसको वो करूँगा। और मैं अभी थोड़ा सा मैंने स्टाइल भी अपना जैसे चेंज किया है क्योंकि आई वांट टू शेयर यू समथिंग सम टैपिंग पॉइंट्स सब एक्यूपंचर पॉइंट एंड दिस टाइप ऑफ एनी थिंग के भाई मैं आपको ये चीज़ कम्युनिकेट करूँ और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी वो करें। लिहाजा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग के सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग बिकॉज ये 95% आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये बड़ा पावरफुल होता है और इसकी इसको मैनेज करने का तरीका और ये सारी इस पर इंशाल्लाह डिटेल पार्ट अभी होगा जो मैंने आपको बताया। तो ये जो मैंने इंस्पिरेशन स्टोरीज़ का और रियल टाइम स्टोरीज़ का और एक जो मैसेज का जो सिलसिला किया है इसको जो है इट आई एम लिविंग अपॉन यू एंड आई डेस्परेटली नीड योर कमेंट फीडबैक एंड सब्सक्रिप्शन फॉर माई बेटर फॉर माई इम्प्रूवमेंट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस वीकेंड।